विपत्ति जो आने वाली है, एक जो पहाड़, एक जो बहुत बड़ी जाति विशेष उठेगी, ये ध्यान करिएगा। क्योंकि जब आप प्रकाशित वाक्य में आगे पढ़ेंगे, 9 अध्याय में जब आएंगे, तो वहां पर उस विशेष जाति का जो है वो वर्णन किया गया है कि वो विशेष जाति क्या है। इस बात को समझिए। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय में। प्रकाशित वाक्य की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हम 4थे खंड में हैं, परमेश्वर का न्याय और 7 तुरियों का परिचय। पिछले संदेश में हमने प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय उसके 6 और 7 पद से पहले सरदूत के तुरी फूकने के विषय में सीखा था कि जब पहले सरदूत ने तुरी फूकी तो कैसी विपत्ति जो है इस धरती पर आई। आज हम प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय उसके 8 और 9 पद से दूसरे सरदूत के तुरी फूकने पर जो विपत्ति इस दुनिया में आती है उसके विषय में सीखेंगे। सबसे पहले हम इन पदों को पढ़ लेते हैं। प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय उसका 8 और 9 पद। दूसरे सरदूत ने तुरी फूकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुन्दर में डाला गया और समुन्दर का 1/3 लहू हो गया और समुन्दर के 1/3 प्राणी मर गए और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। ये जो दूसरे सरदूत ने तुरी फूकी है, इस पृथ्वी पर जो समुन्दर है उसके ऊपर विपत्ति को दिखाया गया है, या यूहन्ना देख रहा है जो विपत्ति इस समुन्दर पे आने वाली। मगर एक बड़ा पहाड़ जो है वो टूट कर जो है इस समुन्दर में गिरा है। और यहां पर जो है, जो परमेश्वर का वचन कहता है कि आग सा जलता हुआ पहाड़ जो है वो टूट के गिरा। अब देखिए यहां पर 3 चीजें हैं, आग, पहाड़ और समुन्दर। इन तीनों के विषय में अलग अलग सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन कहता क्या है, क्योंकि जब तक इनके बारे में अलग अलग नहीं मालूम करेंगे कि इनके अर्थ क्या है, जो आत्मिक अर्थ है खासतौर से, उनके अर्थ क्या है, इनके भेद क्या है, तब तक हम इसके विषय में अच्छे से सीख नहीं सकते। सबसे पहले जब हम आग की बात करते हैं तो आग कई चीजों का जो है प्रतीक दिया गया है, कई चीजों के रूप को प्रकट करता है आग, और कई चीजों के बारे में आग जो है वर्णन करता है। मैं आपको रेफरेंस भी दूंगा, आप नोट करते रहिएगा। परमेश्वर स्वयं एक भस्म करने वाली आग है, इब्रानियों 12 और उसका 29 पद। परमेश्वर का वचन आग सा है, यिर्मयाह 23 और उसका 29 पद। पवित्र आत्मा आग है, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 से 4 पद तक। वे अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है, इब्रानियों 1:7 पद और भजन संहिता 104 और 4 पद। वे न्याय आग से करेगा, यशाया 66:16। ये आग का जो वर्णन दिया गया है यह है। परंतु आग के बारे में और भी कुछ कहा गया है। परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ेंगे, आग जो है वो क्रोध को भी प्रकट करता है, यानी क्रोध जो है वो आग के समान है, यानी भस्म कर देता है किसी का भी क्रोध जो होता। कभी कदार क्रोध में इंसान बहुतों के जीवन को भस्म कर देता, नष्ट कर देता। आग का कारण क्या होता? आग का मतलब होता विनाश, नष्ट कर देना, समाप्त कर देना, आग का ये अर्थ है। और वो जो है बहुत सी चीजों को है। आग हमारे मुंह में जो जीभ है वो आग का सा काम करती है। जी हाँ, कहीं पर भी आग लगा देती है, किसी परिवार में, किसी जीवन में, और बहुत से जीवन और परिवार जो है इंसान की जीभ के कारण, बोली के कारण, मुंह के कारण जो है, भाषा के कारण जो है नष्ट हो गए हैं। तो ये जो है, ये आग का जो है ये प्रतीक है। आपने देखा कि आग का वर्णन जो है। अब हम बात करेंगे पहाड़ की। पहाड़ जो है किसी भी देश के लिए एक सुरक्षा की ढाल है, सुरक्षा का काम करता है। और इस पहाड़ के बारे में जो है हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे, भजन संहिता 125 उसका 2 पद। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहता है। देखिए यहां पर क्या है, परमेश्वर की सुरक्षा जो है वो किससे कंपेयरिंग की गई? यरूशलेम के जो चारों ओर पहाड़ हैं उससे कंपेयरिंग की गई, कि परमेश्वर कह रहा है कि मैं इस तरीके से अपने लोगों की सुरक्षा करता हूं। पहाड़ जो है वो किसी देश को भी, किसी राज को भी दर्शाया जा सकता है। जी हाँ, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, आप डैनियल 2 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे
तो वहां पर नबुकदनेस्सर राजा जो है वो एक सपना देखता है, एक बहुत बड़ी मूर्ति देखता है। आप उसको जो है पढ़ लीजिएगा दो अध्याय, और इसका खास तौर से 35 और 45 पद जब आप पढ़ेंगे, और विशेष तौर से जब 35 पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा जो मूर्ति है तो वो लोहा मिट्टी पीतल चांदी और सोने की जो मूर्ति है वो जो है उसके बारे में वर्णन किया गया है, और वो चूर चूर हो जाती है। कैसे चूर हो जाती है इसके बारे में आप पढ़ेंगे, मगर मैं पहले उस मूर्ति के बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि वो जो सिर है उस मूर्ति का वो सोने का है, और वो बेबीलोन को दर्शाता है, बेबीलोन राज को, यानी जो आज इराक है उसको बेबीलोन कहा गया है। छाती और भुजाएं जो है ये चांदी की है, जो मूर्ति वो देख रहा है ये मादा फारसी राज को दर्शाता है, और उसका पेट और जांघें जो है ये पीतल की है, ये यूनान के राज को प्रकट करता है, और उसकी टांगे जो लोहे की हैं वो जो है रोम को प्रकट करता है, और उसकी उंगलियां कुछ लोहे की और कुछ मिट्टी की हैं, ये जो है बटे हुए रोम को प्रकट करता है। परंतु अब जो कहानी में ट्विस्ट आता है, जो एक अलग अनुभव जो प्राप्त होता है इस जब इसको पढ़ेंगे आप, तो एक पत्थर जो है वो पत्थर अपने आप बिना किसी के हाथ लगाए निकलता है और वो उस मूर्ति पर पड़ता है और वो पूरी मूर्ति को चूर चूर कर देता है। इसका मतलब क्या है कि उस और वो पत्थर जो है वो फैलकर पूरे संसार में जो है एक बड़ा पहाड़ बन जाता है। तो ये जो है ये एक बहुत बड़े राज को पूरे संसार में जो राज फैला है उसको प्रकट करता है। जी हाँ, अब ये किस के राज को प्रकट करता है, इस पत्थर के द्वारा वो सारे राज जो है वो समाप्त हो जाते हैं। जी हाँ, जब हम पत्थर की बात करते हैं तो यीशु मसीह को मती 21 अध्याय उसके 42 पद में यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में ये नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वे कोने के सिरे का पत्थर हो गया। यह आप जो है प्रेरितों के काम 4:11 में, पहला पत्र 2:7 में, भजन संहिता 118:22 और 23 पद में भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये पहाड़ जो है, ये पहाड़ जिस चीज को दर्शाया गया वो पत्थर जो है वो मसीह को प्रकट करता है, और वो जो राज जो बन गया पूरा पहाड़ पूरे संसार में फैल गया वो जो है परमेश्वर के लोगों को, यानी एक विशेष राज को, यीशु मसीह की जाति को या यीशु मसीह के राज को प्रकट करता है। तो यहां पर जो है पहाड़ का मतलब आपने देखा कि क्या है परमेश्वर के वचन से। अब हम बात करते हैं समुन्दर की, हम समुन्दर के विषय में बात करेंगे। जी हाँ, समुन्दर के विषय में बात करने के लिए आप प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय उसका पहला पद पढ़ें। जिन 7 सरदूतों के पास वे 7 कटोरे थे उनमें से एक ने आकर मुझसे कहा, इधर आ, मैं तुझे बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी है। अब ये ध्यान करना, बहुत सा पानी, यानी जहां बहुत जली जले, जिसको हम समुन्दर कहते हैं, समुन्दर कहते हैं। और यिर्मयाह जो है इस बात की, यिर्मयाह भी भविष्यवाणी करता है। अब यिर्मयाह क्या भविष्यवाणी करता है, यिर्मयाह 51 उसका 13 पद, हे बहुत जलाशयों के बीच बसी हुई और बहुत भंडार रखने वाली, तेरा अंत आ गया है, तेरे लोभ की सीमा पहुंच गई है। ध्यान दीजिएगा यह परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि समुद्र के बीच में बसने वाली, बैठने वाली, यानी पनपने वाली। अब ये किसको है, ये जो स्त्री है ये एक राज को प्रकट करता है, एक कलिसिया को प्रकट करता है, और यिर्मयाह भी जो बात कर रहा है वो एक राज के प्रकट करने की बात कर रहा है, एक विशेष जाति की बात कर रहा है। जी हाँ, एक विशेष जाति को प्रकट करता है। अब कैसे, अब इसको समझे, प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय उसका 15 पद, पहले हमने पहला पद पढ़ा था, जी हाँ, जो वैश्या बहुत से पानियों पर बैठी है। अब 15 पद में उसका अर्थ जो है वो दिया गया है, फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे हैं जिन पर वैश्या बैठी है वे तो लोग और भीड़ और जाति और भाषाएं हैं। जी हाँ, यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो पानी तूने देखे हैं वो क्या है, वो भीड़, लोग, जाति और भाषाएं हैं। देखिए, इन तीनों के अर्थ को जब तक अलग अलग समझेंगे नहीं तब तक हमें ये जो भविष्यवाणी की पुस्तक है, खासतौर से प्रकाशित वाक्य की, जिसको समझना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है,
तो हम इसको ठीक से समझ नहीं सकते हैं। जब हम समुन्द्र की बात करते हैं तो जो घटना घटित हुई है, और वो घटना क्या, प्रथम खाड़ी युद्ध की जब हम बात करेंगे, याद ध्यान करिएगा प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय उसके 8-9 पद में आने वाली विपत्ति का जो है, जो प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ 1990 में, वो उसका नमूना है, वो नमूना है उसका, जो कहते नहीं है जब फिल्म से पहले एक ट्रेलर दिखाया जाता है, और वो क्या होता है, वो एक ये होता है कि फिल्म में क्या क्या होने जा रहा है, क्या क्या बातें होंगी, आप जब उस ट्रेलर को देखते हैं तो उसमें वो सारी चीजें दिखाई देती हैं। अब ये जो है 1990 में ये ट्रेलर है जो पूरी उसके अंदर दिखाया जा रहा है कि आने वाली जो विपत्ति है वो कैसी है। जी हाँ, जब आप देखेंगे प्रथम खाड़ी युद्ध जो है 2 अगस्त 1990 में जो है इराक के राष्ट्रपति के द्वारा जो है, जो कुवैत पर हमला हुआ था उसके द्वारा शुरू होता है, और ये युद्ध जो है 28 फरवरी से लेकर 1991 तक चला यहां पर जो है, और ये जो है बहुत से राज्यों ने मिलकर, लगभग 34 राज्यों ने मिलकर जो है उस देश पर जो थी, इराक पर जो थी, वो चढ़ाई की थी, और ये जो था ये अकेला था। मगर एक बात ध्यान रखें यहां पर जो है, जो बात है वो मैं आपको एक विशेष बात बताने जा रहा हूं जो इससे जुड़ी हुई है, प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय उसके 8-9 पद में जब दूसरे सरदूत ने तुर्री फूकी है। जी यहां पर क्या है कि उन्होंने मिलकर चढ़ाई करी है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी सेना फारस की खाड़ी और लाल सागर में नियुक्त की थी। ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो था अपनी जो सेना थी फारस की खाड़ी में और लाल सागर में जो थी तैनात करी थी। जी हाँ, जब इराक की सेना 1400 गाड़ी टैंक के साथ लौट रही थी, तब उसके सैनिकों ने कुवैत के लगभग 500 तेल के क्षेत्रों में आग लगा दी, जिससे भीषण आग जो थी वो उत्पन्न हुई है, बहुत सी भीषण आग जो है उत्पन्न हुई, और उस समय समुद्र के कई जल जंतु जो थे वो नष्ट हो गए थे, मर गए थे बहुत से, और पानी जो था वो पूरा दूषित हो गया था उस समय, समुद्र का जो पानी था बहुत सा। ये आने वाली विपत्ति का एक चिन्ह है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय 8 से 9 पद के अनुसार विपत्ति जो आने वाली है, एक जो पहाड़, एक जो बहुत बड़ी जाति विशेष उठेगी, ये ध्यान करिएगा, क्योंकि जब आप प्रकाशित वाक्य में आगे पढ़ेंगे 9 अध्याय में जब आएंगे तो वहां पर उस विशेष जाति का जो है वो वर्णन किया गया है कि वो विशेष जाति क्या है। इस बात को समझिएगा कि प्रकाशित वाक्य के अंदर लिखा हुआ है, और सब कुछ जो है वो भस्म हो गया था। अब यहां पर जो है, यहां एक विशेष जाति जो उठेगी, जो आएगी, यहां परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है यह ध्यान दीजिएगा, प्रकाशित वाक्य के अनुसार जो है आने वाली जो विपत्ति है, इस विपत्ति से बहुत तबाही होगी, जिससे समुद्र का एक तिहाई जल जो है वो लहू में परिवर्तित हो जाएगा, यानी दूषित हो जाएगा, और समुद्र का एक तिहाई, यानी लोग जो है इतना खून खराबा होगा, समुद्र यानी लोगों के बीच में इतना खून खराबा होगा कि एक तिहाई लोग जो है वो कत्ले आम हो जाएंगे, मार डाले जाएंगे, और पूरा खूनी खून जो है इस दुनिया के अंदर जो है वो खून खराबा जो है वो दिखाई देगा। लिखा है ना, एक समुद्र के एक तिहाई जो प्राणी है जो मर गए हैं उसके बारे में कि वो मार डाले जाएंगे, यानी एक तिहाई लोग जो हैं इस पृथ्वी पर वो मार डाले जाएंगे। और लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन इस बात को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बात करता है कि वो जो है वो सब मनुष्य जो हैं वो मारे जाएंगे, क्योंकि समुद्र में स्थित टापू और उसमें बसे लोग भी नहीं बचेंगे, और जितने भी जहाज समुद्र के अंदर है उन सब पर विपत्ति आएगी। टापुओं का तो नामो निशान जो है वो खत्म हो जाएगा। आज जो है बहुत से टापू हैं, बड़े महंगे महंगे लोग जो है एंजॉय करने जाते हैं, अपनी छुट्टियां बिताने जाते हैं, आनंद मनाने जाते हैं उन टापुओं पर, मगर ध्यान दीजिएगा एक भी टापू जो है वो नहीं रहेगा। एक ऐसी विपत्ति जो है वो यहां आने वाली है इस पृथ्वी पर, और ये सब कुछ क्यों होगा, क्योंकि परमेश्वर के क्रोध के कारण होगा। क्यों परमेश्वर के क्रोध के कारण होगा, क्योंकि हम मनुष्य इस जीवन में इस पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी कमा रहे हैं वो परमेश्वर का क्रोध कमा रहे हैं, अपनी बुराइयों के द्वारा,
अपने पाप के द्वारा नफरत, जलन, कुड़न, ईर्ष्या, घमंड, व्यभिचार, बुराइयां, मार पीट, हत्या, इन सारी बुराइयों के कारण जो है हम परमेश्वर का क्रोध कमा रहे हैं। और परमेश्वर का क्रोध जो है वो किसी ना किसी रूप में जो है वो प्रकट होगा। जैसे जैसे आप प्रकाशित वाक्य में आगे बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे परमेश्वर के क्रोध के अलग अलग जो है वो तरीके दिखाई देंगे। अभी यहां तुरी के द्वारा है कि जब तो सर्दू तुरी फूक रहे हैं तो परमेश्वर जो है परमेश्वर का क्रोध जो है प्रकट हो रहा है। विपत्ति के द्वारा जो है वो प्रकट हो रहा है। ये विपत्तियां जो पृथ्वी पर आ रही हैं प्रकाशित वाक्य के अंदर, ये परमेश्वर के क्रोध को प्रकट करती। जब आप और आगे पढ़ेंगे तो परमेश्वर के क्रोध के साथ कठोरों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसी बहुत सी चीजें जो है वो आएंगी। और क्या होगा, इस पृथ्वी पर जो मनुष्य जाति है, खासतौर से वो लोग जो परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं, किसी भी जाति के लोग क्यों ना, चाहे परमेश्वर के विरोध में जो काम करते हैं, बुराइयां हैं, पाप है, और दूसरों को दूसरी की बुरा करने में लगे हुए हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे। और बचेंगे कौन, सिर्फ वही जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, जो भलाई करने में लगे रहते हैं, जो नम्र और दीन है, जो अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में जिन्होंने सौंप रखा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आप उन विपत्तियों से बचना चाहते हैं तो इस समय हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें ताकि हमारे माथे पर मोहर लग जाए। याद रखिएगा, जिसके माथे पर परमेश्वर की मोहर होगी उसके ऊपर इन विपत्तियों का कोई असर नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर के चुने हुए लोग होंगे। कितनी भी भयंकर विपत्ति क्यों ना आ जाए, उन पर किसी भी प्रकार का असर नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपें ताकि अपने माथे पर परमेश्वर की मोहर लगवा सके और उन विपत्तियों से बच सके। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।